हेलो दिस इज चिराग एंड वेलकम टू वैनी डॉ इवेंस वैनी डॉट इवेंस एक ऐसी वेबसाइट है जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है पैन एंड फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे वेन्यूज के हॉल साइज सीटिंग स्टाइल सीटिंग कपैसिटी विद इन थर्टी सेकेंड्स विदाउट एनी इंट्रैक्शन सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ कभी ना मिस कर सके दिल्ली से आया हूं। अच्छा। मैं जयपुर पुष्कर कहीं आगरा ऐसी इवेंट करना चाह रहा हूँ शादी जिससे कि कुछ मेमोरेबल चीज हो अच्छा अच्छा। तो अच्छा। मुझे आप कुछ अपने कंपनी का होटल्स का मुझे बताएं जिससे मैं कुछ आपके लिए आपकी शादी है हमारी शादी फरवरी में है बीस इक्कीस फरवरी को होनी है हाँ। हमारे कम से कम 200 से 250 गेस्ट होंगे और हमें 70 पिछहत्तर कमरों की आवश्यकता है अच्छा अच्छा जिसमें हमें दो तीन वेन्यू शादी के लिए चाहिए होंगे हाँ। डिफरेंट हमारे इवेंट होंगे हुँ। उसके हुँ। बारे में थोड़ा सा हाँ। विस्तार में शादी किसकी है 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 बच्चे की की बच्ची ये शादी मेरे बच्चे की है बच्चे की लड़की वाले लड़की वाले हम मिल एक डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं ऐसा है माथुर साहब हमारे यहाँ राजस्थान में तो दो प्रॉपर्टीज हैं एक तो जयपुर में हार्ट ऑफ द सिटी हरी मैल पैलेस जिसमें 35 से 40 रूम्स हैं और वेन्यू वाइज दो बड़े गार्डन हैं एक छोटा गार्डन है एक रेस्टोरेंट है और अगर आपको रूम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो सराउंडिंग में काफ़ी होटल्स हैं होलीडे इन है हिल्टन है आपका बजट बजट के अपने बजट में आपके बजट के हिसाब से और अगर बजट में आते हैं तो इधर ये जिंजर होटल है इधर आपका ताज की फ्रेंचाइजी का एक छोटा होटल है तो एक तरह से अपन ये भी देख सकते हैं जैसे 35 टू 40 रूम आपने हमारे यहाँ ले लिए बाकी थर्टी रूम पास पर लिया हाँ, आपकी बात भी सही है हम लड़के वाले एक होटल में रह जाए फंक्शन एक जगह फंक्शन एक जगह कर लें और सबसे बड़ी बात ये हमारे होटल्स में खाना बहुत अच्छा है और मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फूड होता है बिल्कुल सही बात तो है। हम लोगों ने क्या कर रखा है इसके लिए मैं खुद राजस्थान मारवाड़ी आदमी हूँ तो हमने क्या कर रखा है कुछ जो राजस्थान के महाराज लोग पॉपुलर हैं कैटर्स के हलवाई हैं उनको भी हमने अपॉइंट कर रखा है मेटेरियल हम देते हैं खाना क्योंकि है तो जिस खाने में अगर सब्जी मिठाई इस तरह का खाना बहुत अच्छा है क्योंकि होटल के शेफ़ लोग इटालियन क्विटी खाना अच्छा बना पाते हैं लेकिन ये खाने में थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये इस तरह से है आपके होटल में नॉन भी मिलता है नॉन और वेज किचन दोनों सेपरेट है अगर आज तो हमने वेज किचन है वो बिल्कुल सेपरेट कर रखा है क्योंकि जैनी होसवाल मैरिजेस हमारे यहाँ ज्यादा होती है भिल्कुण भिल्कुण। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर रखा है एक बार मैं आपको अभी विजिट भी करा दूंगा प्रॉपर्टी को और फिर अगर आपको एक ही जगह चाहिए तो पुष्कर में भी एक हमारा होटल है आरामबाग जिसमें होटल में, में सभी होटल में लिखकर अलाउ है सब में लिखकर अलाउ है दोनों तरह से है आप चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक टेम्प्रेरी लाइसेंस भी ले सकते हैं ठीक है इस तरह से दोनों तरीके से प्रॉपर्टी होती है पुष्कर में जो होटल है उसमें सेवेंटी रूम्स है देते हम सेवेंटी टू हैं जयपुर से पुष्कर कितने किलोमीटर ये करीब पड़ जाता है जयपुर से पहले हमको अजमेर जाना पड़ेगा जो 125 किलोमीटर और 25 किलोमीटर अपने पुष्कर दो घंटे दो, दो से ढाई घंटे में आप पहुंच जाते हैं कनेक्टिविटी एयरपोर्ट और किशनगढ़ से है वो एयरपोर्ट की और एक चीज और है मिस्टर माथुर अपने जयपुर से ठीक अजमेर तक ट्रेन चलती है कनेक्टिविटी सुबह छह बजे अपन दिल्ली से चले और बारह बजे आप अजमेर पहुंच गए ठीक है ये भी है और अगर जयपुर पहुंचते हैं तो दस साढ़े दस बजे पहुंच गए और पुष्कर रूम से पुष्कर में कुल वैसे रूम्स हैं सेवेंटी फाइव देते हम लोग सेवेंटी टू हैं वो तीन रूम इस आपके लिए रखते हैं दूसरे को सेल नहीं करते कल ने कोई रूम में कुछ भी खराबी आ गई दे दें चार गार्डन हैं और दो हॉल हैं वहाँ भी हमने एक पैकेज बना रखा है दो से सवा आदमी का दो दिन का पैंतीस लाख रुपया लेते हैं जिसमें पूरे रूम्स वेन्यू ब्रेकफास्ट लंच हाई टी और डिनर इस पैंतीस लाख में वेजिटेरियन फूड होगा वेजीटेरियन फूड होगा और थोड़ा बहुत नॉनवेज भी कर लेंगे वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि नॉर्मली ये रहता है फिर है। वहाँ पर क्या गार्डन्स बड़े काफ़ी बड़े हैं क्योंकि इकतीस बीघा में प्रॉपर्टी है तो आप अगर डेकोरेशन का लेके चलते हैं तो डेकोरेशन का भी मिनिमाइज 10 से 15 लाख बजट आता है दो दिन तो आपके वहाँ दो दिन का अब आपके पास जयपुर चॉइस होगी और पुष्कर होगी और आपके दिल्ली से हमारा यमुना बाईपास से आगरा भी पास पड़ता है पुष्कर में आउटडोर कैटरिंग कर सकते हैं पुष्कर में आउटडोर कैटरिंग कर सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कैटरिंग और इवेंट का आपका काम करना चाहते हैं तो हम दो दिन का उन्नीस लाख लेकर आते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल तो वर्कआउट कर सकते वो हैं कि कर सकते है। हमारे बजट हाँ। में कैसा बैस, बैस, कैसे बैठ सकता है और इसमें एक बात है इसमें हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो एक मेन चीज ये विश्वास पे चलती है आपके पैनल में उनसे मिला देंगे मैंने से मिला देंगे और आपको लगता है कि नहीं मेरा ही कई लोगों का होता है कि हमारे दादे परदादे से चल रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है फिर तीसरी आपके पास आती है अगर आपको दिल्ली से हमारा आगरा भी पास पड़ता है वहाँ हमारे सिक्सटी ती, रूम्स की प्रॉपर्टी है दो तीस तीस रूम्स के ब्लॉक्स हैं बीच में दो सौ ढाई हजार आदमी गार्डन है और एक कोर्टयार्ड है और एक रेस्टोरेंट है वहाँ भी हमने दो तरह के पैकेज कर रखे हैं अगर आपको लगता है नहीं मेरे को फूड और इवेंट खुद का करना है तो हम दो दिन के चौदह लाख रुपए लेते हैं और आपको लगता है नहीं डेढ़ सौ से पौड़ दो सौ आदमी का एक साथ आप पैकेज बना दो तो हम दो दिन का अठाईस लाख रुपए लेते हैं और इवेंट में आपने जो रुटार. बताया दो बिल्डिंग बनी हुई है हाँ, वो एक 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 ही 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 में और उसको हमने नहीं सब कुछ एक ही है उसमें लेकिन हमने बनाया इसलिए कि जैसे जैसे हम होटल बनाते गए तो गैस की डिमांड होती थी एक तरफ ब्राइड रुक जाए एक तरफ ग्रूम रुक जाए तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया तो ये भी आप देख सकते हैं हाँ, जिससे क्या दोनों सेपरेट हो जाए कई बार ऐसा होता है सिटी तो तो, से, कितना, से, से, कितना डिस्टेंस से करीब अपने आप फतेहपुर सीकरी से आते हैं फिर यमुना बाईपास फिर एक सराय जगह आती है सराय पेट्रोल पंप से आप रोड पे आपको करीब 600 मीटर दूर दिख जाएगा आपके किसी भी होटल में कोई ऐसी बाउंडेशन जो नहीं करते जैसे डीजे होता है वो दस बजे तक बजा सकते ये हाँ ये एक हरी मेल में जरूर हमारे रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि थोड़े मकान छोड़ के ही सिविल लाइन्स एरिया है मिनिस्टर्स और रहते हैं बाकी पुष्कर और आगरा में हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कोई बाउंडेशन नहीं होगी और जयपुर में भी हम लोग दस से साढ़े दस तक अलाउ करते हैं उसमें लोग गेस्ट लोग क्या करते हैं सात से साढ़े बजे स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों होटल में आप बारह एक बजे तक कर सकते हो इसके लिए कोई पी लाइसेंस लेना पड़ता है कोई इसके लिए जयपुर में तो लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है यहाँ तो हम आपकी हेल्प करेंगे बाकी इन दोनों जगह आप ले भी सकते हो पी पी एल लाइसेंस आप ले है। सकते हो आप क्योंकि आप, आप अपनी आप, आप हमारे लिए बना हम लो लोग एन एनओसी प्रोवाइड कर देंगे उसके बेस पे आपके रेफरेंस से हम ले लेंगे या आप अपने आप भी ले सकते हैं इस तरह से लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमारे पचा ग्रुप में खाना सबसे अच्छा है क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मैरिज में अगर खाना अच्छा है तो सब अच्छा है अब कलम धनी जी धनीश ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ। शादी में कब को खाना ही चाहिए सबसे बेहतर तो क्योंकि हर आदमी खाना खाने यानी खाना ही रहता है रूम में कोई नहीं हुक्म हुक् आप एक बात मानिए नहीं मैं आपको एक उदाहरण दूंगा गेस्ट आया मेहंदी हो गया हल्दी हो गया फिर उसके प्राइवेट रिचुअल भात भात हो गए रात को संगीत हो गया नेक्स्ट डे हल्दी हो गया फिर उसके रिचुअल्स हो गए फिर मैरिज हो गई तो गैस सिर्फ रूम में सोने जाता है हाँ रूम में रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए बाथरूम के एमिनट बी होना चाहिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं और फूड ये मैरिज में चाहे गैस आप हमारे यहाँ बुक करें चाहे दूसरी जगह जाए इस चीज़ को मेरा ध्यान रखिएगा यानी आपसे बात करने के बाद जहाँ तक मेरी समझ में आया है हो को, हो को। आपका जयपुर हरी महल पैलेस के नाम से जिसमें थर्टी फाइव रूम है थर्टी फाइव दो गार्डन एक हॉल है एक हॉल है एक रेस्टोरेंट है पुष्कर में आपके पास कर... है चार गार्डन है, गार्डन है दो हॉल चार गार्डन एक हॉल है हाँ। आगरा में आपके पास साठ कमरे दो हॉल है हाँ। दो गार्डन है दो गार्डन, है ना हाँ। ये शादी के लिए उपयुक्त स्थान है हाँ। आप बिल्कुल विश्वास हम दिल्ली से है ना हुं, हुं। तो हमें बस इसी एरिया में चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल हम लोग तैयार रहेंगे आपके लिए तो आपको पता है दिल्ली में भी बहुत जगह नहीं लेकिन नेचुरलिटी हमारे होटल्स में ज्यादा मिलेगी डेस्टिनेशन वेडिंग का ज्यादा लोगों को है इसलिए हम यही नहीं उसके लिए ये है पहले राजस्थान में जयपुर राजस्थान में दो ही जगह थी जयपुर उदयपुर अब क्या है पुष्कर भी बहुत पॉपुलर हो रहा है उदयपुर भी देखा लेकिन थोड़ा महंगा, महंगा जा रहा है हमने सवाई माधोपुर भी देखा थोड़ा महंगा पड़ रहा है नहीं नहीं पुष्कर बात करने के बाद ऐसा लगा कि जयपुर पुष्कर आगरा बिल्कुल ये हमारे लिए सूटेबल है नई नहीं और शायद हमारे बजट में भी काम और अब मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ